66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पांचवें दिन पुरस्कार और समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। मुख्य अतिथि को संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। प्रतियोगिता में बनारस मंडल ने बालक वर्ग में 128 अंक और बालिका वर्ग में 98 अंक पाकर के ओवरऑल चैंपियन बना। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख खान को ओवरऑल चैंपियन का व्यक्तिगत पुरस्कार मिला। इस पूरे प्रतियोगिता में बहुत से रिकॉर्ड बने और टूटे, जिसमें हैमर थ्रो में 19 वर्ष बालक वर्ग में नदीम ने कीर्तिमान बनाया, तो वहीं पोल वॉल्ट 19 वर्ष में बालक पवन कुमार ने 3000 मीटर, 19 वर्ष बालक वर्ग में दुष्यंत कुमार ने कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं गोला फेंक 19 वर्ष बालिका में नेहा राघव ने, तो वहीं 3000 मीटर 17 वर्ष में कीर्तिमान स्थापित किया, तो वहीं 3000 और 1500 मीटर दौड़ में शाहरुख के कीर्तिमान रहा। 17 वर्ष बालक में आशुतोष दुबे ने कीर्तिमान बनाया। 100 मीटर 14 वर्ष बालक वर्ग में विनित ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। हैमर थ्रो 17 वर्ष बालिका में नंदिनी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 5 किलोमीटर बालक वर्ग में पैदल चाल में लखनऊ के शिवा सिंह प्रथम स्थान पर रहे। ऋषिकेश दूसरे स्थान पर रहे, तो 19 वर्षीय बालक भाला छेपड़ में मिर्जापुर के राहुल यादव प्रथम स्थान प्राप्त किए। मुरादाबाद के कुलदीप दूसरे स्थान पर, तो वहीं लखनऊ के गौरव तीसरे स्थान पर रहे। डिस्कस थ्रो वर्ग 19 बालिका वर्ग में मुरादाबाद के सुमन बागा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाराणसी की अंतिमा मिश्रा ने दूसरा स्थान पर रही। गोरखपुर की हर्षिता तीसरे स्थान पर रही। 19 वर्षीय बालिका 800 मीटर दौड़ में बरेली की विनीता कुमारी प्रथम स्थान पर रही। मिर्जापुर की वर्तिका पटेल दूसरे स्थान पर रही। वाराणसी के सोनम पाल तीसरे स्थान पर रही। 800 मीटर बालक वर्ग में 17 वर्षीय प्रथम स्थान पर श्री कुमार निषाद वाराणसी के रहे। वहीं दूसरे स्थान पर वाराणसी के दीपक को मिला। तीसरे स्थान पर झांसी के दीपक कुमार रहे। इस अवसर पर संयोजक MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह सहित अन्य अध्यापक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वाराणसी मंडल की विजेता टीम के कोच मुरलीधर राय, शिक्षक संघ के विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी और प्रतियोगिता संचालक डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती, मैं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक फिलिप जी। उन्नीस वर्षीय बालिका पांच किमी क्रॉस कंट्री और प्रतिभा यादव, जो ताली आते जाते रहे, देखिए ये तालियां बजाते रहे। ये भी प्रांति मंत्री विद्या भारती के प्रांति मंत्री और सेकेंड और थर्ड है और हमारे बालिका सेवन की मुरादाबाद द्वितीय स्थान। और इसके बाद बालिका 44 अंक प्राप्त कर पहला स्थान मिला है। 19 बालिका बरेली के बाद मेरठ की बालिकाएं तैयार रहेंगी। उन्हें 22 अंक प्राप्त करने के बाद तीसरा स्थान मिला। अंक लेकर के दूसरा स्थान। इस प्रदेश सरकार के यशस्वी कृषि माना जाता है और सचमुच जिनमें एक आदर्श राजनेता की दो दिन पहले मैं विस्मृत कर गया था, मुझे दंग हो सकता है, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आऊंगा। परम आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, अभिनंदन हम सब आज बुके भेंट कर रहे हैं आदरणीय जॉइंट डायरेक्टर साहब, जिन्होंने प्रदेशी रैली को मैं चाहूंगा मुख्य कुशीनगर जनपद की ओर से वहाँ के जिला विद्यालय अधीक्षक, ये समय कम है,
आइए जल्दी आइए आप लोग जी। मैं मेरे पास केवल 10 मिनट है क्योंकि फ्लाइट है माननीय मंत्री जी का, अध्यक्ष जी हम लोग के अपने हैं, सम्मान होना है। पीएस सिंह साहब अपने तीनों प्रबंधकों का, मुखर्जी जी 5 दिनों तक इन्होंने दिनों के आयोजन में, इसके बाद आमंत्रित साहिब जी का पुराना नाता है, उस क्षेत्र के विकास करा रहे आदरणीय सरदार सुखदेव सिंह मजीठिया सर को सम्मानित करते कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही। ये बहुत प्रसन्नता की बात रही है कि राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता इस गोरखपुर क्रीड़ांगन में आयोजित की गई और आप सब ने 4 दिनों तक अपने खेल का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। भैया मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके प्रदर्शन को नहीं देख पा रहा हूं। मैं चाहता था कि 1-1.5 घंटे जरूर आपके प्रदर्शन को देखता, लेकिन विलंब से आने के नाते वो संभव नहीं हो सका और आपको भी घर जाने की जल्दी है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों के बहुआयामी व्यक्तित्व को स्थापित किए जाने की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है कि सिर्फ हमको शिक्षित ही नहीं, एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व के रूप में हमको अपने व्यक्तित्व को निखारना है और उसके भीतर खेल कूद संगीत कला ये सब कुछ उसके एक हिस्से हैं। समाज की सेवा, समाज भागता वह भी उसका एक दूसरा हिस्सा है। हमारे भीतर कौशल विकास स्थापित हो इसके लिए भी निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाया जाना है। तो पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो क्लर्क और चपरासी के खोज रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने देश और दुनिया के भीतर भारत के मान को स्थापित किया है और दुनिया के भीतर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया है। हमारे देश ने ओलंपिक के भीतर टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने 7 जो है वो गोल्ड मेडल जीत करके लाए। ओलंपिक के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीता और अभी जब एशियन गेम्स हुए हैं तो एशियन गेम्स के भीतर भी उनके दृष्टि से जो प्रयास किए हैं, 18 जिलों में जो हमारे 44 छात्रावास हैं आज बिल्कुल मेरिट और ट्रांसपेरेंट आधार पर वहाँ पर उनकी बच्चों की भर्तियां हो रही हैं। खेलों के भीतर जो भेदभाव पक्षपात था उसको समाप्त किया गया है। मुरलीधर राय बनारस मंडल से। टीम विजेता हो ये क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे खुशी के दिन लग रहा है कि नहीं, अब एक बीता हम लोग ऊपर चल रहे हैं जमीन से, सभी बच्चे बच्चियाँ। कौन कौन से खेल में आप? गोला, हैम्बर, डिस्कस, सभी दौड़, सभी कूद और सभी थ्रो में हमारे बच्चे प्रथम द्वितीय स्थान रहे। किस तरह की तैयारी की थी आप? तो तैयारी की ही देन है कि हर बच्चे ऑल में चैंपियन रहे, बालक बालिका और ऑल ओवर हम लोग चैंपियन है बनारस मंडल से। इस पांच की प्रतियोगिता में किस तरह यहाँ पे सब लोग पांच की प्रतियोगिता में किस तरह खेल किया हमने, क्या परेशानी? क्या कोई परेशानी? कोई नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब व्यवस्था स्टेट लेवल से ऊंचा रहा है, खाने पीने रहने सब व्यवस्था यहाँ ठीक थी, कहीं से कोई हम लोग को परेशानी महसूस नहीं हुई। खुशी तो बहुत हुई, अब मुँह से नहीं कर सकते इसका बयान, दिल से बहुत ज़्यादा। इधर पूरे प्रदेश के जो एथलीट हैं, जो हमारे वास्तव में उत्तर प्रदेश की प्रतिभा जो है, वह यहाँ अपना 5 दिनों तक अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जो लोग विजयी हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जो किन्हीं कारण से पीछे हो गए उन्हें मेरा विश्वास है कि वो आगे जो है सफल होंगे और ढेर सारी आयोजकगण को बधाई। हमारे गेम टीचर जितने हैं, जितने ट्रेनर हैं,
सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोगों ने एक दिल खोल करके यह आयोजन कराया है और सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं, आप स्वयं मीडिया के एक अंग हैं, प्रिंट ये आपके ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में यदि प्रतिभा किसी का निखारना है तो वहाँ माध्यमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जो है अच्छे प्रशिक्षण, उनके अच्छे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, संसाधन दिए जाए, तो निश्चित रूप से यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारा जो देश है, वह विश्व में एथलीट में सबसे आगे रहेगा, मेरा पूरा विश्वास है। 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही रहे और समापन समारोह की अध्यक्षता शिक्षक विधायक माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने किया। 11 दिसंबर से प्रारंभ होकर यह प्रदेशीय रैली आज 15 तारीख को अपराह्न समाप्त हुआ। इसमें बहुत से कीर्तिमान बने। इस आयोजन को संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल गोरखपुर, जो संयोजक रैली रहे, उन्होंने अभूतपूर्व बनाया। उन्होंने जो व्यवस्था दी, जो संसाधन दिए, वो अपने आप में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। सुव्यवस्था का, सुअनुशासन का, विद्यार्थियों की, खिलाड़ियों की चिंता का और एक सुंदर आयोजन का आप देख रहे हैं। ऐसा भव्य मंच माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद लेकर यह आयोजन शुरू किया गया था और आप यह सोचिए कि प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार बच्चों ने दोपहर का भोजन यहाँ ग्रहण किया। नियमतः हमें भोजन के लिए हम बाध्य नहीं हैं, लेकिन ये प्रेम और एक सद्भाव और दिल की उदारता संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय की रही कि बच्चे जो आ रहे हैं, हो सकता है किन्हीं टीम के साथ कठिनाई हो, यहाँ उन्होंने भोजन के ओपन कर दिया था प्रतिदिन एक दोपहर को और शानदार उन्होंने भोजन कराया सभी को। शानदार आयोजन हुआ। प्रदेश के करीब 130-135 इवेंट्स हुए और ऐसा शानदार आयोजन अपने आप में चर्चा का विषय है। आप मीडिया बंधुओं ने जो सहयोग किया है उसके प्रति वरिष्ठ संचालन समिति के सदस्य होने के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं। शारीरिक शिक्षकों के प्रति, आए हुए खिलाड़ियों के प्रति, अतिथियों के प्रति मैं विनम्रतापूर्वक और ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने जो रिकॉर्ड बनाया है एक अच्छे आयोजन का, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, स्तुत्य है और उन्हें मैं भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ।